आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज, जहां आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की एक खास खबर उठकर सामने आ रही है। मदर्स डे पे महिमा कल्याण महिला समिति एवं तेजस्विनी महिमा फाउंडेशन की अध्यक्ष पूजा पंजविनी ने जयंती का कार्यक्रम बीके कैस्टल में एक खास अवार्ड रखा। जिनके दिव्यांग बच्चे हैं उनकी पालन पोषण में माँ को सहन शक्ति, सिंगल मदर समाज की किन घटनाओं का सामना करके भविष्य बनाती हैं, और एक अवार्ड जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और बच्चों में टैलेंट है तो माँ की मेहनत, इस प्रोग्राम की शुरुआत अध्यक्ष पूजा पंजवानी दीप प्रज्वलित करके की। इस प्रोग्राम में उपाध्यक्ष महेंद्र शुक्ला, कोषाध्यक्ष डूबी जी, प्रभारी मंत्री ओनम सेन, सूचना प्रसार मंत्री उत्तम राव, सुभाष विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष रीवा से अशोक विश्वकर्मा, सविता केवट, आशा प्रजापति व अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी इस प्रोग्राम में शामिल हुए। हेडी हॉप के राष्ट्रीय संयोजक रजनीश अग्रवाल माता श्री, श्रीमती कांता अग्रवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, शीश आनंद अग्रवाल, दिव्यांग संघर्ष समिति के अध्यक्ष देवेंद्र सोनी, विकलांग बल के प्रदेश संगठन मंत्री सुभाष विश्वकर्मा, मोक्ष एन जी ओ से उनकी टीम, पीहर क्लब से अन्नू जी, LIC से तुलिका चौबे, साई NGO से रीना जी, ओम प्रकाश होतवानी, सचिन जी, बिट्टू भैया, सुनीता पंच, सबनम खान, निशा अहिरवार, सिमरन कोतवानी, चांदनी मालवे, आरुषि मालवे, ओम विश्वकर्मा, सीता पंजवानी, सोनम लालवानी, अनिमिका, सपना, अन्नू सिंह, आरती, मोहिनी रीचा, श्यामलीली छला, अर्पित सेन, दीपमाला, आशा, स्वर्गीय विवेक आशीर्वाद, स्कूल के सभी छात्र, आसना बानो, सिलाई पार्लर कंप्यूटर के सभी छात्रों को डिप्लोमा वितरण, अवार्ड गेस्ट ऑफ ऑनर को अवार्ड, सभी मातृ शक्तियों को सम्मान पत्र दिए गए। इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है कि वो दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्कूल एवं आश्रम बनाया जाए। इसी के साथ आप सभी को बताते चले इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट में बताएं। साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अध्यक्ष पूजा पंजवानी, महिमा कल्याण महिला समिति की अध्यक्ष, तेजस्वी महिमा फाउंडेशन। आज मदर्स डे पे हमने एक स्पेशल प्रोग्राम रखा, जिसमें हमारा स्पेशल प्रोग्राम था कि दिव्यांग बच्चों की माँ कितनी कठिनाई से अपने बच्चों को पालती है। तो उसमें एक अवार्ड था स्पेशल, प्लस सिंगल मदर, और प्लस एक को था कि बच्चों को टैलेंट है तो बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और आज एक खुशी की बात यह है कि हमें आज एक और संस्था का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, समाज कल्याण और पर्यावरण संस्था। इसमें हमें एक संस्था का और उद्देश्य यही रहेगा कि हम तीनों संस्थाएँ मिला के, हमें जो एक संस्था का मेन उद्देश्य है कि तेजस्विनी महिमा फाउंडेशन से एक दिव्यांग बच्चों के स्पेशल स्कूल और हॉस्टल होना चाहिए। स्कूल हॉस्टल ऐसा कि पारिवारिक प्यार बच्चों को मिले, दिव्यांग बच्चों को। तो हम चाहते हैं कि आप आगे आएं और हमारी सोच को और आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। अध्यक्ष पूजा पंजवानी। महेंद्र शुक्ला, उपाध्यक्ष तेजस्विनी महिला फाउंडेशन, संस्कारधानी जबलपुर माँ नर्मदा के आंचल में विराजमान, जहाँ पे तेजस्विनी महिमा फाउंडेशन दिव्यांग जनों की सेवा में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाते हुए आज मातृशक्ति दिवस पर मातृशक्ति को नमन करने के लिए महिमा फाउंडेशन ने एक ये दिव्य और भव्य आयोजन किया, जिसमें संस्कारधानी जबलपुर की वो मातृशक्ति जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रही हैं, और ऐसे समय पर जब दिव्यांगजनों को सेवा की अति आवश्यकता है, आज हम लोगों ने संस्कारधानी जबलपुर में दिव्यांगजनों को जो सेवा मिलना चाहिए उसको कैसे उन तक पहुंचाएं, इस बात पर चिंतन और मनन किया और संस्कारधानी जबलपुर की मातृशक्ति को नमन किया। जिस क्षेत्र में जो अपना अनुकरणीय योगदान दे रहा है, उसके लिए तेजस्विनी महिमा फाउंडेशन ने उन सभी मातृशक्ति स्वरूपा माताओं बहनों का सम्मान किया, और हम सभी मिलकर लगातार नित निरंतर संस्कारधानी को सेवा के क्षेत्र में जबलपुर में नंबर वन बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। महेंद्र शुक्ला, उपाध्यक्ष तेजस्विनी महिमा फाउंडेशन, जबलपुर, मध्य प्रदेश।
खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।